सो हे जीएल के फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सचिन विद एज यूजुअल कैमरामैन अमन के साथ। सो आज हम आए हैं बेसिकली एमएम कॉलेज में। आज मेरा एमएम कॉलेज में आने का मोटो कुछ डिफरेंट था रिगार्डिंग स्टडीज, था कि कॉलेजेस की पढ़ाई है ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है। लेकिन स्टडीज तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जब मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी ना हमारे जो एनसीसी कैडेट्स के ऊपर, और यहाँ पे जो हमारे देश के जवान हैं, हमारे जो आर्मी पर्सन्स हैं, उनके ऊपर पड़ी थी यार, मैं रहा नहीं गया मुझसे। मैं मतलब खींचा चलाया, बिकॉज आर्मी से ऊपर आई डोंट थिंक सो कि आर्मी से ऊपर कोई चीज़ है हमारे हिंदुस्तान में। अगर फ्रंट लाइन फोर्स करे जाए, कहा जाए, या नंबर वन प्रायोरिटी कहा जाए, तो हमारे लिए आर्मी, हमारे जो दिलों में बसती है, हमारे लिए आर्मी ही सबसे ऊपर है। हमारे साथ यहाँ पे बड़े सारे एनसीसी कैडेट्स हैं, तो इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे इनका कैसे एक्सपीरियंस एनसीसी में। और हमारे साथ यहाँ पे आर्मी के काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स भी मौजूद है, लाइक यहाँ पे ड्रिल मास्टर हैं सर, सूबेदार ये भी मौजूद है यहाँ पे, और भी आर्मी ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। हम उनसे भी आपकी पूरी बात कराएंगे कि उनका कैसा कहना है एनसीसी के ऊपर, और उनका क्या कहना है कि एनसीसी मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है आज के यूथ के लिए। बिकॉज जो आज का यूथ है ना, वो बहुत ही गलत संगतियों में पड़ रहा है, बहुत ही अलग इन्फ्लुएंस, अलग जगह इन्फ्लुएंस हो रहा है। मतलब जहाँ पे उनको होना चाहिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, वो भावना तो खत्म हो गई है यूथ के ऊपर, यूथ पे। उनका बस यही है कि हर एक चीज़ बड़े आराम से हो जाए, बस मेहनत ना करना पड़े। लेकिन उनको क्या पता जो हमारे आर्मी, जो देश के जवान हैं, जो बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, तभी हम अपने घर में आराम से सो रहे हैं। अगर वो ना हो तो आई डोंट थिंक सो कि हम सारे अपने घरों में आराम से सो पाएं। और एनसीसी से ऊपर भी कुछ नहीं, बिकॉज एनसीसी ऐसे बहुत मात्र जरिए डिफेंस में जाने के लिए, लेकिन एनसीसी एक ऐसा मात्र जरिए है जहाँ पे मेहनत तो बहुत है, लेकिन परिश्रम करते रहो, लेकिन मेहनत जरूर मिलेगी एंड में। जो फल होगा ना, वो हमेशा मिलेगा एनसीसी में, ऐसी कोई बात नहीं। आइए पहले यहाँ पे कैंडिडेट से बात करते हैं, फिर मास्टर्स के पास भी जाएंगे कि उनका क्या कहना है एनसीसी में। क्या नाम है आपका? कैडेट अभिषेक शर्मा। कैडेट अभिषेक शर्मा। आपका? कैडेट गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह। आपका? कैडेट करणजीत सिंह। करणजीत सिंह। आपका? कैडेट विवेक बड़ू। आपका? जूनियर अंडर ऑफिसर रिजुल शर्मा। नाइस यार, सबसे पहले आपने क्या चीज नोटिस की यार? मैं अपने ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी इन सब कैडेट्स में, इनका डिसिप्लिन। सबसे पहली चीज जो नोटिस करने वाली थी कि इन्होंने अपने नाम कैसे बताया, क्या डिसिप्लिन से, कितना डिसिप्लिन है ये अपनी लाइफ में, और कितना सीरियस है ये एनसीसी को लेके। तो इनसे भी कुछ एक्सपीरियंस जानते हैं, इनका क्या कहना है। सो आप की क्या एज है? सर मेरी एज 17 ईयर्स। 17 है। स्कूल स्टूडेंट्स हो? जी सर। अच्छा, और हाई सेकेंडरी स्कूल कंडोली नगर। नाइस यार, नाइस। कितना टाइम हो गया आपको स्कूल में? लाइक स्कूल कौन सा आपका? सर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कंडोली नगर। और कौन सी क्लास में हो? सर 12th स्टैंडर्ड में। और कितना टाइम हो गया एनसीसी ज्वाइन किए? सर लगभग 2 ईयर हो गए। 2 साल हो गए। काफी कैंप्स भी लगाए होंगे? जी सर 3 कैंप कर चुके हैं। अच्छा, अभी जैसे आप यंग हो, कितने यंग हो? 17 ईयर्स के हो, और 11th क्लास में हो? 12th क्लास में हो। तो आपकी क्लास में और भी कितने स्टूडेंट्स होंगे, आपसे छोटी क्लास में भी कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे जो एनसीसी में नहीं है? उनको कैसे इन्फ्लुएंस करोगे कि आप एनसीसी में आइए, एनसीसी में भी काफी स्कोप है अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या कहोगे इसको? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एनसीसी जो लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, ना कि पूरे इंडिया में। तो जो मेरे जूनियर्स हैं जिन्होंने एनसीसी ऑप्ट नहीं की या किसी रीज़न की वजह से नहीं कर पाए, वो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर एनसीसी उनको कहीं मौका मिलता है, स्कूल में नहीं तो कॉलेज में मौका मिलता है, वो फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करके अपना करियर बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, हमें इसमें एग्जाम होते हैं, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है आगे इन सर्टिफिकेट्स का। तो इस हमने सिविल लाइफ से बहुत कुछ अलग, हमने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा हुआ है। क्या बात है यार, इस एज में अगर इतना सिंसियर कोई है ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ एनसीसी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीज़ें खराब हैं, अपनी अपनी जॉनर में हर एक चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर योर नेशन, अगर आप अपने नेशन के लिए कुछ करना चाहते हो ना, देन प्लीज़ ज्वाइन एनसीसी। और देर इज ऑल्सो अदर वेज, बहुत दूसरे वेज भी हैं, लेकिन एनसीसी इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू ज्वाइन द नेशन। ओके, आपका क्या नाम है? कैड करणजीत सिंह। ओके, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं? यस सर। कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर सर। और कॉलेज कौन सा है? गवर्नमेंट एमएम पीजी कॉलेज। अच्छा, यही कॉलेज एमएम कॉलेज के। तो आपका क्या कहना है? आपके कॉलेज में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं यार, मैं बताऊंगा नहीं कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं, वो अपने ही लाइफ में बहुत इनगल्ज हैं, और यहाँ पे आप इतने सिंसियर हो एनसीसी को लेके, और आप मतलब आपके अंदर वो भावना है कि आपको अपने देश के लिए कुछ करना है। तो आप अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करोगे कि यार अगर हम कर सकते हैं अपने देश के लिए कुछ योगदान दे सकते हैं, तो आप भी किसी न किसी जरिए से अपने देश के लिए कुछ योगदान दे सकते हो? आप क्या कहोगे इसको? सर सबसे पहले तो एक जुनून होना चाहिए डिफेंस में आने के लिए। बिल्कुल। जैसे मेरे जैसे दादू थे, दादू मेरे 2 वॉर्स लड़ी है मेरे दादू ने, 71 एंड 72 या ए लड़ी है सर। तो मतलब दादू से मैं सुनता था जब भी कहानी, मतलब कैसे वॉर में रहे, तो सर अपने ही मतलब जुनून कहते हैं ना, खुद ही पैदा हो गया। क्या सबसे पहले तो डिफेंस में आने के लिए जुनून होना चाहिए। क्या सही बात, जुनून के बिना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मेरे एक मास्टर थे, वो शहीद हुए थे सीआरपीएफ में से, तो मतलब जुनून पैदा होने के लिए ना, मतलब थोड़ा ये बंदे को होना चाहिए, बाकी यार मैंने कुछ करना है।
सबसे पहले सर वो होना चाहिए। वैसे एनसीसी में आओ, सिविल लाइफ से बहुत अलग एक्सपीरियंस मिलता है इस एज में। जैसे हमारे कैंप्स होते हैं उसमें वेपन्स चलाने को मिलते हैं, मतलब इंटरेक्ट ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट करने को मिलता है, वो सिविल लाइफ में नहीं होता। मैं तो कहता हूँ सर आना चाहिए, ये एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए। यार आपके ना चेहरे, इनके ना चेहरे पे वो खुशी दिख रही है, वो भावना दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना इनके अंदर से जो फील है ना इनके चेहरे पे दिखता है। यार ये कितने डेडिकेटेड है, एनसीसी सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये अपने देश के लिए कुछ करने के लिए। या आर्मी, जैसे लोग बोलते हैं कि आर्मी की सैलरीज इतनी है, आर्मी वालों की सैलरीज इतनी है, लेकिन अगर कोई देखे कि वो उन लोगों का काम कैसा है, यार वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं सिविलियंस के लिए, अपनी खुद की लाइफ, अपने अपने घरों में नहीं जाते, सालों साल बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बर्फ हो, जो मर्जी हो, उनका काम उनकी जिंदगी का सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। तो क्यों ना गवर्नमेंट उनकी सैलरी इंक्रीज करे, क्यों ऐसे पॉइंट आउट क्वेश्चंस होते हैं यार। आप खुद इनकी, ये अभी कितने छोटे हैं, ये 19-20 साल के हैं, लेकिन इनकी जो भावना है ना वो 40-40 साल वाले लोगों से भी काफी ज्यादा है, बिकॉज इनको अपने देश के लिए कुछ करना है। यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है? कैडेट गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह, आप दोनों एमएम कॉलेज से ही हैं, तो आपका क्या कहना है यार? आपके जो सहपाठी है इन्होंने तो कितनी अच्छी बात कही कि यार एक जो देश भावना है वो होनी चाहिए, ना कि सिर्फ जो एनसीसी कर रहा है उनमें भी, जो एनसीसी नहीं भी कर रहा उनको भी अपने अपने बिहाफ पे कुछ ऐसा करना चाहिए जो देश के लिए आने वाले समय में बेनिफिट हो। आपका क्या कहना है? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे सिविलियंस हैं उनको भी अपने देश के प्रति योगदान देने चाहिए, ना कि एनसीसी कैडेट्स बल्कि बाकी भी जो सिविलियन बच्चे हैं उनको भी देना चाहिए। एनसीसी तो हमें एक्सपोजर देती है आप डिफेंस के रिलेटेड, डिफेंस से हम जैसे हमारे साथ ऑफिसर्स हैं, हमें उनकी लाइफस्टाइल उनके बारे में जानने का मौका मिलता है, और अपने देश के लिए भी जानने का बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है। यहाँ पे हमें डिफेंस से मतलब, जैसे करणजीत सिंह ने कहा कि हमें जोश एक जुनून होना चाहिए खुद में कि हम अपने देश के लिए कुछ करने का जुनून होना चाहिए, तो वही है कि हमें अपने अंदर ही जुनून ये करना चाहिए कि अपने डिफेंस से रिलेटेड, अपने देश के रिलेटेड हमें प्रेम भावना और अपने देश को कुछ देना है, उनके लिए कुछ करना है, तो वही कहना चाहूँगा कि हमें करना चाहिए अपने देश के लिए। क्या बात है यार, मतलब मैं जगह जगह जाता हूँ, जगह जगह अलग अलग मुद्दे पे इन्फ्लुएंस करता हूँ लोगों को, लेकिन कभी कभी ना मैं खुद इतना इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ ना, मतलब मैं इनकी उम्र से तो काफ़ी बड़ा हूँ, मेरी उम्र 21 साल है, लेकिन अगर देखा जाए ना कि हमने कितनी जगह आप लोगों को इन्फ्लुएंस किया, अलग अलग टॉपिक को लेके किया, लेकिन जो देश भावना है ना, जो आर्मी के लिए जो प्यार है ना, जो दिलों में प्यार है ना, वो कभी कम नहीं हो सकता। यहाँ पे आके अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि कुछ भी हो जाए बस देश का झंडा नहीं झुकने देना, जान चली जाए लेकिन झंडा ऊपर ही रहेगा, हमारा भारत महान है और जय हिंद। और अगर आप सबको, हमारी पूरी जेएल के फैमिली आप सबको देख रही है, अगर आपको हमारी फैमिली के लिए कुछ कहना है, हमारे देश के लिए कुछ कहना है सारे, तो क्या कहना चाहोगे? हमारे पूरे देश के लिए, जो देश आपको अभी देख रहा है, पूरी जेएल के फैमिली देख रही है, हमारे देश के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर पहले तो हमारा जो जन्म हुआ है सर इंडिया में, सर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर बाकी नेशन से अगर हमें वो किया जाए, हमारे यहाँ पे सर कितने सर वीर योद्धाओं ने सर जन्म लिया, उनसे देख के सर मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हमारे देश में इतने वो योद्धा आए थे, और उनकी वजह से जैसे हमारे सिखों का देखा जाए तो गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, हमारे महाराणा प्रताप हो गए, हमारे शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज, सर उन्होंने हमारे लिए अगर इतना किया है तो हमारा आगे बनता है कि हम उनको आगे, मतलब उनका आगे दिखाएं कि हाँ भाई हमें कुछ करना है, उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, अफगानी मुगल अब हमारे ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी दिलाई उन्होंने, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसको आगे दृढ़ रखें, तो हमें अपना कुछ मतलब हर उस पे कदम पे हमें दिखाना चाहिए कि हाँ हमें अपना हम हैं देश के लिए, अगर कुछ होता है तो हम सिविल हैं वो भी आगे आएं, हम अपनी एनसीसी के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर कल को एनसीसी हो है ही सर इसीलिए कि अगर कल को हमारी इंडियन आर्मी को जरूरत पड़े तो एनसीसी के कैडेट्स जो मतलब हैं उनको आगे किया जाए दिखाने के लिए कि हाँ हमारे एनसीसी कैडेट्स लड़ेंगे, हम सर हम लड़ सकते हैं, हमें पता है कि हमें क्योंकि सर हमें ट्रेनिंग में ही दिखाया जाता है देश के लिए कुछ करना, सर दैट्स व्हाई वी आर जॉइनिंग एनसीसी। ओके। तो यार देखो यार, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइक कंसेप्चुअल बात तो ऐसे आपने मुझे कभी देखा नहीं होगा कि मैं इतनी कंसेप्चुअल बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके माहौल ही कुछ ऐसा बन गया ना, सिनेरियो ही कुछ ऐसा बन गया कि मुझे करना पड़ रहा है। तो अभी मैं बोलूँगा भारत माता की, जितना दम होगा ना आपके अंदर, जितना दम होगा, ठीक है, जितना दम है जय बोलना, ठीक है, जितना दम है एकदम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, ये जोश है हमारे यहाँ के एनसीसी कैडेट्स में, और ये जोश आपको, मुझे नहीं लगता कि ना मुझे लगता ना आपको लगता होगा कि किसी और कंट्री में इतना जोश होगा, तो प्लीज आप जाइए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे देश के लिए, और आने वाले टाइम में मुझे पता है कोई यहाँ पे आर्मी ऑफिसर होगा, कोई नेवी ऑफिसर होगा, कोई
कोई भी जॉब होगा वो अपनी अपनी जगह इतना बड़ा बनेगा कि वो हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। और मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, और मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील करता हूँ कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच आप हमारे सब, थैंक यू। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, थैंक यू सो मच। तो यार आइए यहाँ पे हम और भी लाइक हेलो सर कैसे हैं आप? आई एम सो सॉरी सर, एक्चुअली सर हम लाइक लाइव थे, वी आर लाइव। हम चाहते हैं कि जो यूथ है ना सर वो इन्फ्लुएंस हुए सर इनको देख के, कि जो अगर 17 इयर्स का एक लड़का इतनी देश भावना रखता अपने देश के लिए, तो जो 20-22 साल के जो यूथ है हमारा जो गलत संगति में पड़े हैं, जो बस पैदा वो सोचते हैं कि हर एक चीज बहुत आराम से हो जाए, सुबह उठूं फोन चलाऊं सो जाऊं, मतलब सर वो क्या चीज है? तो अगर इनमें इतनी देश भावना हो सकती तो उनमें क्यों नहीं? अगर ये एक एग्जांपल बन सकते हैं सर सबके लिए, अगर ये 17 इयर्स एज में इतना इनके अंदर डेडिकेशन है टू डू समथिंग फॉर देयर नेशन, सो व्हाई नॉट 20 ईयर 25 ईयर, वो चीज है। तो सर आपका क्या नाम है सर? मैं सर मेजर डॉक्टर करण सिंह। सर प्लेजर सर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू सर, आई एम फीलिंग सो प्लेजर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू सर। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ जे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ट्रैक्टेड एनसीसी एसोसिएशन। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ पे आप देख ही रहे हैं MM कॉलेज पूरा एक है सर, एक पार्टीशन बना सर, ये ग्राउंड है यहाँ पे, वहाँ पे लोग वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, कोई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कोई बैठे हैं, कोई चिल कर रहे हैं, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं सर दे आर डूइंग फॉर देयर नेशन, वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं आने वाले ऑफिसर्स बनने में और कुछ करने के लिए अपने देश के लिए। तो सर आप क्या चाहते हो, मतलब आपका क्या कहना है कि जो वो स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे बैठे हैं वो क्यों नहीं ये करें, उनको क्यों ना इन्फ्लुएंस करें एनसीसी के लिए, अपने बिहाफ पे वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं लेकिन देश के लिए क्या कर रहे हैं सर? देखिए मेरा इस जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में ये है कि जैसे कि आपने देखा है कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसका आप मंत्र नहीं बन सकता जी। कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जिसकी जड़ों का कुछ मेडिसिन नहीं बनती। इसी तरह कोई भी जो इंसान है ना, कोई भी बच्चा जिसने जन्म लिया है वो अच्छा है, वो उसमें अच्छाई है ही है, सिर्फ उसकी जो हम योजना करने वाले हैं वो थोड़ी वीकनेस होती है उनकी। ऐसा नहीं है वो बच्चे हो सकते हैं इनसे भी बेटर हों, लेकिन बात यह है कि हमारे ये हिंदुस्तान में ये जो एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें कुछ हमारी वैकेंसी लिमिटेड है, जैसे 50,000 है ठीक है, तो उसी तरह से फिर उसमें बांट के हमारे जो J&K लद्दाख में कोई नियर अबाउट 13,000 के करीब है, तो वो बांटी जाती हैं यूनियन डिवीजन और सीनियर डिवीजन में। तो जब इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा हैं, बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि ये हर एक बच्चा ले नहीं पाता, जब लेना चाहता भी हो, जैसे कि हमारे कॉलेज में 100 वैकेंसी है तो बच्चा तो 5,000 है, तो हम तो एज पर योर गवर्नमेंट गाइडलाइन हम 100 को ही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और 100 को ही ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो उनमें से जो बेटर है जो इसके टेस्ट होते हैं तो वही आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनमें से भी बहुत सारे बच्चे हमारे पास, मैं तो इधर से 20 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, तो बच्चे बहुत सारे इंटरेस्टेड होते हैं इसके लिए, तो हमारे पास वैकेंसी कम है, अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो वो बच्चे भी पार्टिसिपेट लेंगे। और ये आप से 17 साल ये हमारी जो जूनियर डिवीजन से 9th क्लास से स्टार्ट होता है, तो 9th क्लास का एज का बच्चा क्या होता है आप 14-15 तो उनमें देशभक्ति की भावना तभी से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप कभी हमारे कैंप में आइए, नगरोटा कैंप लगेगा, वहाँ जूनियर डिवीजन के भी होंगे सीनियर डिवीजन के भी होंगे, तो आप देखेंगे इनमें देशभक्ति भावना इतनी कूट कूट के भरी है, आप अंदाजा लगाइए कि ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहे जाते हैं, सेकंड नहीं, इनको अगर पहले ही भेज दीजिए फर्स्ट लाइन का भी काम करेंगे। और हमारी जो रेगुलर आर्मी है उसके साथ ये कंधे के कंधा मिला के चलने को तैयार है और चलते भी हैं, कभी भी जरूरत पड़े ये पीस में भी देते हैं साथ देते हैं, तो कहीं भी बाहर टाइप हालात हो तो तब भी ये साथ देते हैं। अभी भी देखिए जैसे पीस में ये ब्लड डोनेशन हर साल कराते हैं, अभी भी इनका जो हमारे कॉलेज का ब्लड दिया हुआ पड़ा हुआ है GMC में ब्लड बैंक में, तो किसी को भी कभी जरूरत होती है जब बच्चे ऑलरेडी तैयार होते हैं ब्लड देने के लिए, तो इनकी जितनी प्रशंसा की जाए इतनी बच्चों की उतनी ही कम है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि हम गवर्नमेंट के आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ाई जाए ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे देश के लिए और देश हित के लिए काम कर पाए,
और ये बेल्ट फोर्स में जाने के लिए हमारे पास ये हर वक्त ये तैयार है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तो जैसे कि आपने सुना कि ना किसी वो बच्चे भी इंटरेस्टेड होते हैं, उनका भी मन होता है एनसीसी में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है, एक स्पेसिफिक उन्होंने रिक्वायरमेंट प्रोसीजर रखा हुआ है, एक स्पेसिफिक सीट्स रखी हुई है रिगार्डिंग हर एक कॉलेजेस कि 100 सीट्स ही होंगी इस कॉलेजेस में, सो 100 ही रिक्रूटर्स होंगे, 100 से ऊपर ये ट्रेन भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितने भी है यहाँ पे अपने बिहाफ पे हर कोई कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है देश को। लेकिन हमारा तो यही कहना है कि जो आर्मी है वो हमारे लिए हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी और हमेशा है, और हमारे लिए नंबर वन प्रायोरिटी अगर कोई है तो हमारे लिए आर्मी ही है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है। और ऐसे ही और भी बच्चों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन आज तो इतने हैं नहीं, लेकिन कल जो बच्चों के यहाँ पे परेड होगी तो हम आपको लाइव विजुअल्स भी दिखाएंगे कि एग्जैक्टली होता कैसे एनसीसी। ऐसे ही और विजुअल्स के लिए बने रहे हमारे साथ, कैमरामैन अमनदीप के साथ सचिन शिप, जेएलके मीडिया। जय हिंद।